Assalamu alaikum students. How are you all? I hope that you are all fit and fine at your home. As well as you know I am your English teacher Sahar and it's my YouTube channel. Now we will start our new chapter of grammar skill and this lecture for, is for class 5th. In the previous lecture we complete our unit number 2 and now we will start our unit number 3. सो so, स्टूडेंट्स so, सबसे पहले आप अपने पेज नंबर नाइन के ऊपर आज की डेट और आज डे मेंशन करें टू डे डेट इज सेवेंटीन ऑफ मार्च एंड डे इज़ वेडसडे और आज हम अपना युद्ध नंबर थ्री स्टार्ट करेंगे जो है रिफ्लेक्सिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस प्रीवियस में हम लोगों ने जो है वो प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था आज हम रिफ्लेक्सिव और इंटारोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे ओके लेट्स स्टार्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दो स्टेट एंड इन सेल्फ और सेल्फ दे आर माई सेल्फ योर सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ आर सेल्फ दैम सेल्स एंड योर सेल्फ सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वो होते हैं जिनके आखिर पर सेल्फ या सेल्फ यूज़ होता है इनको हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं क्योंकि इसमें योर माई हर इन सब के साथ जो है वो सेल्फ या सेल्फ यूज़ होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये किसी चीज पर जोर देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है यानी कि इसका मतलब ये होता है कि फ्लां इंसान ने या फला शख्स ने अपना काम जो है वो खुद किया आवर सेल्फ हम खुद हिम सेल्फ खुद ही आप खुद योर सेल्फ तुम खुद माई सेल्फ मैं खुद यानी कि ये इस प्रोनाउन को ज़्यादा जोरदार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन जो है वो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को रेफर करता है फॉर एम्फोसाइज uh, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर एग्जाम्पल दी प्रिंसिपल हिम सेल्फ कॉन्ग्रेजुलेटेड मी फॉर माई एक्सिलेंट प्रोजेक्ट वर्क पे पे बात हो रही कि प्रिंसिपल ने जो है वो खुद मुझे मुबारकबाद दी है मेरे इतने अच्छे काम पर तो यहाँ पर प्रिंसिपल पे हिम सेल्फ पे जो है वो जोर दिया जा रहा है क्योंकि प्रिंसिपल ने खुद जो है वो मुबारक दी है अच्छे काम पर अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे एक्सरसाइज एड अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने इन ब्लैंक्स में जो है वो रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करना है द ग्रीटी बॉयज सर्व डैश बिफोर वन एनी वन एल्स हिमसेल्फ Boy served himself yani ke, lalchi ladke ne khud ko served the next one is you ca you cannot blame yourself for other people's mistakes. You can't blame yourself. The injured dog dragged itself home. I told myself I would do better next time. She kept all of the chocolates for herself. Paul went to the mirror and looked closely at himself. They were told to clean up the place themselves and not to leave a mess. Mr. and Mrs. Long booked the tickets for themselves, but not for us. अभी यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस की बात हो रही है कि वो मिस्टर एंड मिसेस दो लोग हैं तो उन्होंने खुद के लिए टिकट्स टिकट्स जो हैं वो बुक किए themselves उन्होंने खुद के लिए

the triumphant टीम ट्रीटेड themselves to टू अ विक्ट्री पार्टी इसके साथ तुम्हारी जो है एक्सरसाइज एक कंप्लीट है अब हम देखते हैं एक्सरसाइज बी को कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग रिफ्लैक्सिव प्रोनाउंस टू शो एम्फोसाइजिस अब हमने जो है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज करना है एम्फोसाइजिस को शो करने के लिए यानी कि किसी भी चीज पर जोर देने के लिए वेन वी लुकड ओवर आवर नोट्स वी आवर सेल्फ कुड नोट अंडरस्टैंड वट वी हैड रिटर्न

The residents managed to put out the fire themselves. Because residents themselves, the fire engines were delayed by a traffic accident along the way. The fifth one, the cashier was inefficient and untr untruthful, untruthful. She herself had made the mistake that she blamed me for next again the king himself rewarded the knight with a bag of gold it had rescued the princess from a gang of outlaws. the next one is the dog swam out to save the little boy struggling in the river but the dog dash was carried away by the strong current is aiga itself the teacher told her class the test was so about a simple one but all of you have failed it only you. योर सेल्फ नो वाई यू हैव नोट पास्ट प्लीज मी वन बाई प्लीज़ टेल मी वन बाई वन इसमें आएगा योर सेल्फ हम जो हैं वो यू के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योर सेल्फ यूज़ करते हैं वो ही के साथ आवर्स सेल्फ आई के साथ माई सेल्फ ज़्यादा जहाँ पर लोग हों वहाँ पर दैम सेल्फ को यूज़ करते हैं सो so, स्टूडेंट्स इसके साथ जो है हमने आज एक्सरसाइज ए और बी कंप्लीट की है आपने इसको दोबारा से सुनना है बार बार सुनना है पढ़ना है अपनी नोट अपनी वर्कबुक पर कॉपी भी करना है और अपने रजिस्टर्स पर आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है ओके okay, स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा हाफिज़